देखिए मिस्टर पुनीत, मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल देख ली है और आपने मुझे आंसर्स भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। आप हर तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन बस एक लास्ट प्रोसीजर बचा है, उसके बाद आपकी जॉब पड़ती है। सर वो क्या है? देखिए, मैं आपको एक रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में जॉब देने वाला हूँ, तो कुछ डोनेशन आपको देनी पड़ेगी। सॉरी सर, ये पॉसिबल नहीं है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने शुरू की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप के पैसों से पूरी की है। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप जा सकते हैं। सर प्लीज, अगर पॉसिबल है। नहीं, अब कुछ पॉसिबल नहीं है। देखिए, हमारी डिमांड नहीं है, ये सेंटर का ही ऑर्डर है, आप जा सकते हैं। आइए। नमस्कार नेता जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या कष्ट किया? देखिए, हम तो आपके सेवक हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ कष्ट देना चाहता हूँ। कष्ट की क्या बात है, आपका काम तो हमारा ही काम है। देखिए, मेरी बेटी का बचपन से डॉक्टर बनने का सपना है और ये सपना आप ही पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन चाय दूध के बिना तो बनेगी नहीं। अरे सर, आप तो जानती हैं मैं चाय बनाने का सामान कैसे भूल सकता हूँ, सारा सामान मैं साथ ही लाया हूँ। ये लीजिए आपका गिफ्ट। धन्यवाद के लिए। अब बताइए कि पार्टी कब दे रहे हैं? जब आप कहें। ठीक है फिर, नमस्कार। नमस्कार। कम इन सर। कम इन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पापा से तो आपकी बात हो गई होगी? जी हाँ, बात तो हो गई है, बस इंटरव्यू तो एक फॉर्मेलिटी है, आपका काम हो चुका है, बस आप साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। बहुत है, 5 लाख ही तो है, इतने से तो बात बन ही जाएगी। मैं कमिंग सर। सर। अरे बेटा, आपके जैसे स्टूडेंट्स की तो हमें तलाश रहती है, आपके जैसे स्टूडेंट्स कहाँ मिलते हैं? थैंक यू सर। आपकी जॉब पक्की, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या हाल है डॉक्टरों? बस मस्ती कर रहे हैं। पेशेंट की हालत थोड़ी क्रिटिकल लग रही है, उससे उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर डॉक्टर, पेशेंट की डेथ हो गई है। ओह नो, कोई बात नहीं, कह देंगे हालत क्रिटिकल थी, डेथ हो सकती थी। अरे चलो देखते हैं। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? सॉरी सर, ही इज नो मोर। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, इतना भी सीरियस नहीं था, किसने डॉक्टर बना दिया आपको? सर आप ही ने सिलेक्ट किया था। सर आज आपके कारण मैं क्वालिफाइड होते हुए स्वीपर हूँ और वो बिना क्वालिफाइड हुए डॉक्टर बन चुकी है। अब इसका अंजाम आपको ही भुगतना पड़ रहा है। सॉरी बेटा, मेरे जैसे रिश्वतखोर लोगों की वजह से कितने घर उजड़े हैं और आज मेरा ही घर उजड़ गया है। मेरे देशवासियों से विनती है कि वो रिश्वत को छोड़ दें और ईमानदारी से काम करें, नहीं तो हमारा देश नहीं बच पाएगा।